नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। जी हां, आपने देख लिया होगा मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा रंगीन टॉपिक। रंगीन का मतलब हमारे जीवन के अंदर रंगों का बहुत बड़ा महत्व है, और जिसके जीवन में रंग नहीं उसके जीवन में तो रह जाता है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, अंधेरा। अब जीवन को भरेंगे हम, अपनी लाइफ को भरेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और वास्तु इसमें आपकी करता है बहुत बड़ी हेल्प। अगर वास्तु के अनुसार आप पॉजिटिव कलर्स करते हैं, हर दिशा के अंदर, हर डायरेक्शन में एक कलर होता है, दिशा का कलर होता है। अगर उस दिशा में उससे मैच करता हुआ कलर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलती है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा। और अगर किसी भी दिशा के अंदर आपने नेगेटिव कलर कर लिया तो साथियों समस्या भी उतनी ही बड़ी आती है वास्तु के अनुसार। और हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर कितने कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर एक छोटी सी गलती पड़ जाती है बहुत ज़्यादा भारी। आइए आज मैं शेयर करता हूं आपसे रंगों के बारे में, और उठाता हूं पर्दा इस गहरे राज से, कैसा आपको जो है अपना घर का इंटीरियर करें जब वहां पर ये रंग यूज़ करते हैं कलर्स के लिए, वास्तु फॉर वॉल कलर्स। और मैं आपको बताऊँगा फर्श के कलर्स के बारे में भी। नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़रूरी होगा, और आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी देगा। अगर आपने साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे लाखों के हिसाब से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ लिया है, आप भी ले सकते हैं। आप भी क्यों रहें वंचित, आप भी अपने जीवन में मेरे द्वारा बताए गए वास्तु के ज्ञान को अपनाएं और मेरे चैनल को कर लें अभी सब्सक्राइब। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे बताया था कि आज हम बात करेंगे वास्तु फॉर कलर्स की, यानी रंगों का वास्तु क्या होता है, क्या संबंध है रंगों का वास्तु से, और रंगों का संबंध क्या है हमारी ऊर्जाओं से जो हमारे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव रूप के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक बन के आती हैं। अगर आप अपने घर को पॉजिटिव बना लेंगे तो ये मान के चलना कि आपका जीवन भी पॉजिटिविटी से भर जाएगा, क्योंकि एक बीमार घर में अगर आप रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हेल्दी हाउस में ही हेल्दी आदमी रह सकता है, इंसान रह सकता है, और बीमार हाउस बीमार कर देगा किसी भी इंसान को। अब के देखिए पॉजिटिविटी कैसे भरेंगे, इसमें रंगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। कौन कौन से रंग किस दिशा में कैसे एनर्जी क्रिएट करते हैं आज इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो जनरल पॉइंट नोट कर लो, आप डायरी और पेन और पेंसिल लेकर बैठिए, पहले तो जनरल पॉइंट नोट करिए। अगर आप अपने घर के अंदर, आपको ऐसी चॉइस आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले, बहुत ज़्यादा गहरे रंग पसंद नहीं करते हैं, तो आप नोट करिए सबसे अच्छा जो कलर होता है वो होता है वाइट। सफ़ेद रंग से अच्छा कोई रंग नहीं होता। साधु संत महात्माओं के भी बहुत बार आपने देखा है कपड़े वाइट पहनते हैं, और आपने देखा कि दुनिया का एक US का जो प्रेसिडेंट है वो भी व्हाइट हाउस में रहता है। तो सफ़ेद रंग जो होता है, पुराने समय में जब कोई अपने घर में पेंट वर्क कराया करता था, चाहे वो पीली मिट्टी कराता था या जो भी करता था, उसको सफ़ेदी ही कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि वाइट कलर जो है इसकी महत्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वाइट कलर से अच्छा कोई कलर नहीं होता। पहला, सबसे अच्छे कलर्स कौन से होते हैं नोट करना शुरू करना। एक तरफ से प्रेफरेंस वाइज वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी, पेल क्रीम, यानी हल्के हल्के कलर हैं सब, ये वाइट के आसपास हैं। बस हल्का सा पीला, हल्का सा जो है सलेटी, बहुत हल्का सा जो है, जितने हल्के कलर्स होते हैं वो सबके सब लाइट कलर्स को बोलते हैं हम, पेस्टल कलर्स, वो सभी कंफर्टेबल होते हैं। वाइट, ऑफ वाइट, लाइट आइवरी, पेल क्रीम, और जितने भी हल्के कलर्स होते हैं ये सबके सब पॉजिटिव होते हैं, किसी भी दिशा में कभी भी करो कोई नुकसान नहीं करते। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक कमरा है जो कि उसमें आप चाहते हैं कि उसमें जो है एक कलर ना करें, उसमें
एक से ज़्यादा कलर करें। तो पहला तो ये ध्यान कर लेना कि जब हम कलर की बात करते हैं, वाइट को छोड़ते हैं, तो किसी भी दीवार के ऊपर ब्लैक, ब्राउन और डार्क ग्रे कलर पेंट नहीं करना। ब्लैक, डार्क ग्रे और डार्क ब्राउन पेंट नहीं करना, क्योंकि मैं हमेशा बहुत बार आपसे बात करता हूँ कि हमारा एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, और जो गहरे कलर होते हैं ये हमारे आभा मंडल के जो आउटर शेल्स होते हैं, जो बाहर की लेयर होती हैं, बाहर की परतें होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, और इन्फ्लुएंस करने से हमारा ऑरा जैसे ब्राइट होना चाहिए वो और ज़्यादा डल हो जाता है। तो वाइट ऑफ वाइट आइवरी पेल क्रीम ये कलर करें, बहुत अच्छे कलर हैं। इसके बाद जो है ब्लैक, डार्क ब्राउन और डार्क ग्रे कलर दीवारों के ऊपर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर आपको करना है कोई डिफरेंट कलर, जैसे मैंने आपसे बोला, तो इसका भी एक सिद्धांत होता है। अब देखिए, ये आपका एक घर हमने बनाया, इधर उत्तर दिशा हो गई, नॉर्थ हो गया, इसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, इधर पूर्व हो गया जिसको हम ईस्ट बोल देते हैं, पश्चिम हो गया इसको वेस्ट बोलते हैं, और इधर आ जाता है हमारा दक्षिण यानी साउथ। चार दिशाएं। अब आपको अगर ये करना चाहते हैं कि आपको वाइट कलर या ऑफ वाइट आइवरी की आपकी लाइकिंग नहीं है, चॉइस नहीं है, और आप चाहते हैं कि दूसरा कलर करें हम, तब क्या करना होगा, आप ईस्ट के सेंटर से साउथ के सेंटर तक, पूर्व के मध्य से लेकर के और दक्षिण के मध्य तक जितना भी एरिया है, चाहे यहाँ पर किचन आती है, यहाँ पर कोई और जगह आती है, स्टोर आता है, आपका रूम आता है, बेडरूम आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये इस ये फायर कॉर्नर है, अग्नि का स्थान है ये, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व भी इसको बोल देते हैं हम, दक्षिण पूर्व फायर कॉर्नर है, तो यहाँ पे फायर के कलर सभी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे नहीं करने चाहिए, बुरे लगते हैं, हमारे ऑरा को ख़राब करते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से कलर करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं पिंक, गुलाबी रंग कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ऑरेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे यहाँ पर आप कोई ऐसी जगह बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, कुछ भी, और वहाँ पर हैपनिंग कलर्स आपने करने हैं, तो ये कलर्स उसमें आराम से कर सकते हैं। अगर ये चॉइस आपकी नहीं है, फिर भी आपको दूसरा कलर यूज़ करना है, तो उसके लिए ग्रीन भी बहुत अच्छा कलर होता है, हरा रंग बहुत अच्छा होता है, हरा रंग भी किया जा सकता है इतने एरिया में। अब आपको करना है उत्तर के मध्य से लेकर पूर्व के मध्य के बीच में, ये जगह जो बनती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं, ईशान कोण भी इसको कहते हैं हम लोग, ये जो है हमारा नॉर्थ से ईस्ट के बीच में। अब यहाँ पर कौन से कलर करेंगे, इसको हम बोलते हैं जल का स्थान, वाटर कॉर्नर्स को बोलते हैं हम, तो आप समझ गए यहाँ पर कौन से कलर्स होंगे। इसमें हम कर सकते हैं लाइट ब्लू, हल्का नीला कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रीन कलर जो है वो भी यूनिवर्सल होता है। अगर यहाँ पे किसी बिटिया का कलर है, का रूम है यहाँ पर, और क्या होता है कि लड़कियाँ ज़्यादातर आमतौर पर पिंक और पर्पल ज़्यादा लाइक करते हैं, तो पिंक का यूज़ ना करके अगर यहाँ पे आप पर्पल भी करते हैं तो पर्पल में भी कोई समस्या नहीं है, पर्पल इज़ ऑल्सो ओके। क्यों? क्योंकि पर्पल जो कलर बनता है वो बनता है रेड और ब्लू को मिला के, लाल और नीला जब मिलाते हैं तो बनता है पर्पल, यानी जल का भी इसके अंदर से कंट्रीब्यूशन आ जाता है, लेकिन लाइट करना है, डार्क कलर नहीं करना आपने। अब आ जाते हैं हम एयर कॉर्नर में, ये हमारा बनता है वेस्ट के मिडल से नॉर्थ के मिडल तक, उत्तर के मध्य से लेकर पश्चिम के मध्य तक, ये सब का सब जो है ये होता है वायु कोण होता है, वैसे भी मेटल की दिशा होती है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कलर कौन कौन से कर सकते हैं वायु की दिशा में, यहाँ भी ग्रीन चलेगा आराम से, जो जंगल का हवा का रंग होता है वो भी चलेगा, इसके अलावा वाइट चलेगा, वाइट का मतलब सफ़ेद हो गया, और जो मेटलिक कलर होते हैं, जितने भी मेटल के कलर होते हैं, वो सब के सब कलर्स यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, जैसे गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, लाइट ग्रे भी कर सकते हैं, बहुत लाइट ग्रे अगर चाहते हैं, हल्का सा लाइट ग्रे भी यहाँ पर चलता है आराम से नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो ये कलर्स हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट का। लेकिन आपको ये बता दें कि साउथ और वेस्ट के बीच में आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी चॉइस नहीं है, साउथ और वेस्ट के बीच में जाए, क्योंकि ये भूमि का कोना है, ज़मीन का कोना है, अर्थ कॉर्नर है, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं हम लोग, ये हमारा नैऋत्य कोण बन जाता है जिसको हम अर्थ कॉर्नर कहते हैं। तो मिट्टी के रंग यहाँ पर आपको करने हैं, मिट्टी के रंग कौन से होते हैं, एक होता कलर होता है बेज, ये जो कारें होते हैं ना कार के अंदर, आपने देखा है कि कहीं ब्लैक होता है, कहीं दूसरा कलर होता है, वाइट होता है, एक बेज कलर भी होता है, उसको बेज कलर कहते हैं, यानी बिस्किट कलर जिसको बोलते हैं हम, यहाँ बिस्किट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रीम कलर भी कर सकते हैं,
और लाइट येलो, हल्का जो है हल्का सा पीला भी कर सकते हैं। ये सब के सब मिट्टी के कलर है साथियों, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। हम वास्तु में अगर हमने ऊर्जाओं को बैलेंस कर दिया तो समझ लो हम जीत गए। क्या किया हमने, जल के स्थान पर जल ले गए, वायु के स्थान पर वायु ले गए और मेटल के स्थान पर मेटल ले गए। इधर आप देखिए कि ग्रीन अपना जो है ये अग्नि के स्थान के ऊपर हम या तो वुड का कलर ले गए, अग्नि को जो है जलाने का काम करता है वुड, या तो वुड का कलर ले गए या फिर अग्नि के कलर ले गए। यहाँ पर हमने इसको हॉट कर दिया, इसको हॉट कर दिया, इसको ठंडा कर दिया। यहाँ पर हमने मूवमेंट शुरू कर दिया एयर वाला और इसको हमने जो है डेंस कर दिया, साउथ वेस्ट को हमने जो है मिट्टी के रंग दे दिए। हो गया ना बैलेंसिंग, कितना आसान तरीका है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं बहुत आराम से इन कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या और भी आती है कभी कभी कि आप ये चाहते हैं कि सर हमें जो है पूरे घर को तो वाइट कर लेंगे हम, आप ये कहते हैं कि सर पूरा घर तो वाइट कर लेंगे और वाइट क्रीम कर देंगे, लेकिन एक कमरा हमारा ड्राइंग रूम है या कोई भी रूम है उसमें हम चाहते हैं कि एक वॉल को हम डार्क कर दें। ये नहीं, आपने देखा टेक्सचर पेंट करते हैं, वॉलपेपर यूज़ करते हैं। अब कहीं पर जैसे हमारा ये घर है, इस घर के अंदर हमें अब एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, यहाँ पर मान लिया एक कमरा यहाँ बना हुआ है, साउथ वेस्ट में कमरा बना हुआ है। अब इसको आपने डिफरेंट कलर से करना है। इधर अगर हमारा नॉर्थ आता है कमरे का, ये ईस्ट बनेगा, साउथ बनेगा, ये हमारा वेस्ट बनेगा, तब क्या कर सकते हैं आप, ये जो रेड जो साउथ की दीवार है हमारी, इसको आप रेड कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, हॉट कलर यूज़ कर सकते हैं। पूरब की जो दीवार है इसको आप ग्रीन कर सकते हैं आराम से, इसको हरा रंग कर सकते हैं ग्रीन, और इसको हम जो है लाल कर सकते हैं साउथ की दीवार को, इसको मेटलिक कर सकते हैं, धातु के रंग जिसको बोलते हैं हम। मेटलिक के अंदर होते हैं कौन कौन से कलर होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्डन है, ब्रॉन्ज है, ये सब कलर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिसे कहते हैं हम लाइट कलर, लाइट ग्रे, बहुत हल्का सा सलेटी, हल्का सा सलेटी, बहुत हल्का सा सलेटी कर सकते हैं। और जो नॉर्थ की दीवार होती है इसको हम ब्लू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बेडरूम के लिए यूज़ होता है तो फिर हम ब्लू कलर को अवॉइड करते हैं किसी भी रूम के अंदर। मतलब यही कमरा अगर और आगे होता तो हम इस दीवार को, या यहाँ पे कमरा होता तो इस दीवार को आराम से हम जो है ब्लू कर सकते थे, आराम से इसको ब्लू करते, इसको रेड कर देते। ये सवाल हमसे बहुत बार पूछते हैं, ईस्ट के दीवार को हम जो है ग्रीन कर देते, क्योंकि देखिए ये पूरब आ गया ना, यहाँ पर ये पूरब आ गया, यहाँ पे पश्चिम आ गया, वेस्ट हो गया, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चलते चलते एक छोटा सा हिंट आपको देता हूँ मैं, अगर आपको डिफरेंट कलर्स करने हैं, और जैसा कि लोग हमसे कहते हैं, हमारे चाहने वाले कहते हैं सर हमारा मकान तो घुमा हुआ है, हमारा मकान घुमा हुआ है, तब हम क्या करें। घुमा हुआ मकान का मतलब दिशाएं हमारी जो है सामने नहीं है, दिशाएं हमारी कॉर्नर में गई हुई हैं। अगर ऐसे एक कमरा बनता है, मान ले यहाँ पर हमारा नॉर्थ आ जाए, इधर हमारा ईस्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा वेस्ट और यहाँ पे साउथ आता है, तो इसको जो है साउथ ईस्ट को हम जो है लाल रंग कर सकते हैं, आराम से रेड किया जा सकता है साउथ ईस्ट को किसी भी रूम के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इसको ब्लू करते हैं, लेकिन बेडरूम के अंदर जो है ब्लू कलर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जल की जो उपस्थिति होती है किसी भी बेडरूम के अंदर नींद खराब करती है, हेल्थ खराब करती है, रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ वेस्ट है इसको हम हरा कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और जो हमारा साउथ वेस्ट आता है इसको जो है हम वही बेज कलर कर सकते हैं। बेज का मतलब होता है, बेज हो गया बिस्किट कलर हो गया। देखिए अग्नि, जल, वायु और ये हमारी भूमि। ब्रह्म स्थान को तो कोशिश करिए कि ये जो है ये तो आपका वाइट रहे ही, जरूर कोशिश करना कि वाइट रहे, या फिर वाइट के साथ साथ इसको लाइट लाइट ब्लू, हल्का सा नीला या वाइट, सफ़ेद या हल्का नीला ब्रह्म स्थान के आसपास करें। नॉर्थ ईस्ट की वॉल को ब्लू कर सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट को ग्रीन, साउथ वेस्ट को कर सकते हैं बेज एंड बिस्किट, मिट्टी के रंग कर सकते हैं, और फायर के कलर कर सकते हैं हम लाल रंग कर सकते हैं साउथ ईस्ट में। साथियों बताया तो बहुत दिल से है और मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा, बहुत डिमांड थी वास्तु फॉर कलर्स की, जबकि मैंने इससे पहले बहुत बार मैंने वीडियो डाली हुई हैं कलर्स के बारे में, आप उनको भी देखिए। और अगर आप नया मकान बना रहे हैं, बड़ा खर्चा करने जा रहे हैं, तो आप जो है कस्टमाइज सर्विसेज भी मुझसे ले सकते हैं, मेरी वास्तु एडवाइस भी ले सकते हैं, जो कि पेड होती है, जिसकी आपको पेमेंट करनी होती है। बहुत दिल से आपको बताता हूँ मैं, और अगर आपने
वास्तु सीख लिया है मेरी वीडियो देखकर, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे, कहीं कोई शक ना रहे आपको, और जो आप रिव्यू डालते हैं मैं उसी के बेसिस के ऊपर जो है क्वेश्चंस निकालता हूं कि ज़्यादा लोगों की डिमांड किस चीज़ की हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। साथियों एक बात और बताऊँ मैं आपको, लोग हमें ये भी कहते हैं कि सर हमने जो है ना कई लोगों की वीडियो देख ली, 5-7 लोगों की वीडियो देखी, हम तो जो है चक्कर में पड़ गए, ये नहीं समझ पा रहे हैं किसकी बात को माने किसकी बात को ना माने। साथियों अगर लॉजिक को आप देखेंगे ना, लॉजिक जिस बात का कोई ना बता पाए आपको, वहम पैदा करता है, लॉजिक नहीं बताता आपको, कारण नहीं बताता, साइंस नहीं बताता इसके पीछे, तो वहाँ पर आपको वहम होता है। जो आदमी आपको साइंस के हिसाब से लॉजिक से बताए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, दिशाओं की अपनी अपनी नेचर होती है, जो पंच तत्व होते हैं हमारे, 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते हैं, पंच महाभूता के हिसाब से अगर आप जो है अपने कलर्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग होती है। हमारा जीवन तभी संतुलित होगा जब हमारा घर संतुलित होगा, और जब हमारा घर संतुलित हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ संतुलित है, सब कुछ बैलेंस्ड है। साथियों फिर क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो हमेशा की तरह, और अगर ये पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा है, मतलब फर्स्ट टाइम आप व्यूअर हैं देखने वाले, तो आप इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप पाते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज से लाइन लगा के बाद एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, जिससे आपको मिलता है बहुत गहरा ज्ञान, और मैं आपको समझाता हूँ हमेशा दिल से। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, और ध्यान रखें अपना बहुत बहुत।